अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है सईद अनवर। सईद अनवर एक पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर और टेस्ट और वनडे के साबिक कप्तान हैं। वो एक ओपनिंग बल्लेबाज और कभी कभार स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी थे। अनवर ने 1989 और 2003 के दरमियान बैनुल अक्वामी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़े ओपनिंग बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं। सईद अनवर ने वनडे में 20 सेंचुरियां स्कोर की हैं, जो इस फॉर्मेट में किसी भी दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज से ज़्यादा हैं। 55 टेस्ट मैच खेले, 11 सेंचुरियों की मदद से 4052 रन बनाए, जिसकी औसत 45.52 है। 247 एक रोज़ा बैनुल अक्वामी मैचों में उन्होंने 39.21 की औसत से 8824 रन बनाए। अनवर को मार्क वॉ, डेमन मार्टिन और सौरव गंगुली के साथ 1990 की दहाई के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक होने का सेहरा दिया जाता है। इनकी टाइमिंग, खूबसूरती और क्रिकेट शॉट्स की जगह क्रिकेट के शायकीन की तरफ से बड़े पैमाने पर तारीफ की जाती है। नाज़रीन, ये तो था सईद अनवर का मुख्तसर सा तारीफ। आइए अब बात करते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में। सईद अनवर 6 सितंबर 1968 को कराची में पैदा हुए। 1973 में वो अपने ख़ानदान के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए और 1977 में कराची वापस आए। अनवर गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज मलीर कैंट में हाई स्कूल गए और एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने 1989 में कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में एनईडी से ग्रेजुएशन किया। वो पेशावर टेस्ट क्रिकेटर बनने से पहले अपने मास्टर्स की तालीम के लिए अमरीका जाने का इरादा कर रहे थे। इनके वालिद, जो कि पेशे के एतबार से एक ताजर हैं, क्लब की सतह पर क्रिकेट खेलते थे, जबकि इनके भाई जावेद अनवर ने लाहौर की अंडर 19 क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। अगर सईद अनवर की ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो अनवर ने मार्च 1996 में अपनी कज़न लुबना से शादी की, जो पेशे के एतबार से डॉक्टर थी। सईद अनवर को साल 2001 में एक ज़ाती सानहे का सामना करना पड़ा, जब इनकी बेटी बिस्मा तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई। इस सानहे के नतीजे में वो मजहबी हो गए और तबलीगी जमात के साथ पाकिस्तान भर में इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया। उन्होंने तवील वक्फे के बाद क्रिकेट में वापसी की और 2003 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों में से एक बने। ताहम इस टूर से वापसी पर वो अपना पिछला लम्स खो बैठे थे और वो पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर सके। फॉर्म खोने पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने जल्द ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। सईद अनवर ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान खुद किया था। क्रिकेट छोड़ने के वक्त वो पेशे के लिहाज से कंप्यूटर इंजीनियर थे। अपने कैरियर के दौरान वे खूबसूरत बल्लेबाज थे और ख़ास तौर पर ऑफ साइड पर अच्छा खेलते थे। इनकी तकरीबन तमाम इनिंग्स में इनका ट्रेडमार्क फलक एक यकीनी शॉट फीचर था। सईद अनवर ने लाहौर में अपने साबिक साथी खिलाड़ी वसीम अकरम की शरीक हयात हुमा अकरम की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। अगर सईद अनवर के बैनुल अक्वामी कैरियर की बात की जाए तो सबसे पहले हम उनकी टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे। अनवर टेस्ट क्रिकेट में एक शानदार ओपनर थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट मैच खेले और 45.52 की औसत से 4052 रन बनाए। वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 7वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने बैनुल अक्वामी कैरियर के दौरान 11 सेंचुरियां और 25 निसफ सेंचुरियां स्कोर कीं। वो एक जारहाना ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर इनकी ज़्यादातर सेंचुरियां निस्बतन बड़े स्कोर में बदल गईं। उन्होंने अपनी बहुत सी सेंचुरियां तकरीबन हर टीम के खिलाफ स्कोर कीं जिनका इन्होंने दौरा किया,
और चार में से तीन ममालिक जिनमें जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ इनकी औस 40 से ज़्यादा रही, जो कि एशियाई बल्लेबाजों के लिए सबसे मुश्किल रहे हैं। इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी पाकिस्तानी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टेस्ट बैटिंग औसत है और एक बार इनके खिलाफ लगातार दो सेंचुरियाँ भी स्कोर की। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा ने तबसरा किया कि सईद अनवर ने बैटिंग के लिए एक इंतखाबी नुक्ते नज़र का इस्तेमाल किया है। वो गैर रवायती से क्लासिकी स्पिन के खिलाफ फुटवर्क हिचकी की तरह तेज लेकिन पक्का सौ की तरह मैदान को ब्रश करने के लिए इंतहाई ताकतवर शॉट है। अब अगर सईद अनवर की वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो अनवर ने पाकिस्तान के लिए 247 वनडे मैच खेले और 244 इनिंग्स में 39.21 की औस से 8,824 रन्स बनाए। इंज़माम-उल हक और मोहम्मद यूसुफ के बाद फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। 20 सेंचुरियों के साथ वो वनडे में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सईद अनवर पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज थे जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ वनडे मैच में हिंदुस्तानी सरजमीन पर सेंचुरी बनाई। फॉर्मेट्स के अलावा अगर सईद अनवर की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी की बात की जाए तो अनवर ने पाकिस्तान के लिए 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले, 1996, 1999 और 2003 का वर्ल्ड कप। उन्होंने 21 मैच खेले और 53.82 की औस से 915 रन बनाए और वर्ल्ड कप मैच में इनका सबसे ज़्यादा स्कोर 113 रन नॉट आउट रहा है। आइए अब बात करते हैं सईद अनवर की कप्तानी के बारे में। सईद अनवर ने 7 टेस्ट और 11 वनडे मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की लेकिन बतौर कप्तान उनकी कारकर्दगी औसतन रही। अगर सईद अनवर की रिटायरमेंट की बात की जाए तो उन्होंने 15 अगस्त 2003 को शारजा में होने वाले एक रोज़ा बैनुल अक्वामी टूर्नामेंट के स्क्वाड से बाहर होने के बाद बैनुल अक्वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। सईद अनवर की रिकॉर्ड्स और कामयाबियों की बात की जाए तो सईद अनवर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 1997 में मिला और इसके साथ ही साल 2000 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो नाजरीन, ये थी पाकिस्तान के इस मायानाज क्रिकेटर सईद अनवर के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।